यीशु मसीह ने अपनी आत्मा की प्रवर जागरी हुआ हमें डर नहीं है कल में चढ़ने में। हाँ लेकिन जब आपका विवेक आपको दोषी कराए पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले सोचिए जरूरी। अगर आपका विवेक आपको दोषी ठहरा रहा हम तो नहीं ठहराते वचन ठहराए हमें ठहरा कोई नहीं होता आपको दोषी ठहराने का ये वचन जरूरी ठहरा है। अगर आपका विवेक आपको दोषी ठहरा रहा तो पवित्र स्थान प्रवेश करने से पहले और तब में चढ़ने से पहले जवाब को चाहिए वो अपने आप को जांच ले। महान पवित्र स्थान के बारे में आज बात करते रावण नाकुर मल्टी सदी के तरीके से आपके जीवन में प्रवेश मल्टी सदी किस प्रकार आशीर्वाद अगर हम देते थे वही आशीर्वाद हम यीशु मसीह से आप भी प्राप्त आपके जीवन में शांति आए आपकी धार्मिकता में भी आप राजा बने और शांति के भी आप राजा बने दोनों मिलकर आप यीशु मसीह के संपूर्ण में होने लगे। इसके बराबर यीशु मसीह हमारा ऐसा ईश्वर जो अपने बराबर आपको बनाना चाहते ये नहीं कहता तो मुझे कंधे में लाते उनकी कहता है कि अपनी सारी चिंता मेरे कंधे में मुझे हमारी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके साथ मैं बहुत ही प्यार समझता हूँ जो लोग प्रार्थना किए अगर आए हैं वो आ गया खड़े हो जाए और प्रार्थना जो लोग करवाना चाहते हैं क्योंकि आगे आ जाए आप देख सकते हैं हमारे टप्पू अंकल काम करने में छूट विद यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह प्रभु मुबारक दिन है हमारे पीछे कुछ यंग टीचर्स आए हुए हैं और वो इस आत्म सहभागिता का लाभ उठा रहे हैं। आपकी बहुत अच्छा रास्ता चुना है किसी के राज्य के विस्तार में आप शामिल हो रहे हैं। जो ऑल आर इन्वॉल्व इन द एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड अदर की वाटिका में जो चीज हमसे छीन ली गई थी उन्हें वापस लाना रिस्टोरेशन ऑफ ब्रेन अगेन हमें पुनः स्थापित करना है आसमानी इज़राइल को इस दुनिया में। बहुत से प्रचारक तैयार किए जा रहे हैं बहुत सी जगहों पर काम हो रहा है। कुछ टिप्स देना चाहता हूं नए प्रचारकों को बच्चों ओनली ग्लोरीफाई द नेम ऑफ जीसस द सन ऑफ गॉड सिर्फ यीशु मसीह के नाम को जलाल दो और उसको महिमा दो। यू आर नॉट कंसर्न इन द डिनोमिनेशन ये आसमानी डिनोमिनेशन है जमीनी डिनोमिनेशन कोई नहीं है। कोई डिनोमिनेशन हमें सॉल्वेशन नहीं देता कोई डिनोमिनेशन हमारे पापों की माफी नहीं देता। और टू बी ट्राई टू बी ए गुड शेपर्ड नॉट अ लीडर एक अच्छे चरवाहा बनना मजदूर मत बनना क्योंकि मजदूर क्या करता है भेड़िए को देख के भाग जाता है लेकिन चरवाहा अपनी भेड़ों की जमीन जस्ट फिक्स योर आइज टुवर्ड द रिजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट अपनी आंखें उन्होंने स्थान वाले यीशु मसीह पर रखो और ये वचन जो है हमारा मुकुट है। कुछ लोग कहते हैं ये किताब है कि वही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को एक इंसान का पुत्र समझा था वो इस वचन जीवन के वचन को एक किताब बोलते हैं तो इसका सम्मान जरूर करो। जाने और अनजाने में लोगों ने प्रीचिंग तो बहुत करी है
लेकिन इसका सम्मान नहीं किया है। और इसका सम्मान उन्हीं लोगों ने नहीं किया है जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग के पिता का पुत्र नहीं माना था बल्कि एक आम आदमी माना था। प्रेज द लॉर्ड। ये बुक एक आम बुक का नहीं है, गिफ्ट दे रहा हूं बेटा, जीवन में काम आएंगे स्पिरिचुअलिज्म के एडिफिकेशन में। ये बहुत लोग बता नहीं पाएंगे तुम्हें, बहुत से ज्ञानी लोग तुम बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस वचन को या तो सर पे रखो या अपने सीने पे लगा करो। आप सरदारों को देखिए जहां जीवन नहीं है लेकिन वो मक्की नहीं बैठने देते। और हमारे यहां समाजों में चीजें सिखाई नहीं जाती है, खड़े हो जाते हैं पैरों पे बाजी रह जाती है। मैं अपनी गांव के लोगों को बता देना चाहता हूं कितनी भी किताबें पढ़ लो आसमानी ज्ञान तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हारी और फिर चली जाएगी। और हमेशा यीशु मसीह ने जो कहा बस वही प्रचार करो। किसी डिनोमिनेशन को प्रीच करने की कोई जरूरत नहीं है। नो डिनोमिनेशन इज गोइंग टू डिलीवर यू। You have to exalt in the name of the Lord Jesus Christ। जब आप यीशु मसीह को महिमा देते हैं तो आप उनके पिता को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा को महिमा देते हैं। क्या इंटर हो गए अंदर की तरफ दो हुए लोग हैं, द फादर गॉड, द फादर सन एंड द फादर होली स्पिरिट। अगर किसी भी एक को अपने आप महिमा दे रहे हैं आप तीनों को महिमा दे रहे हैं। और अपना टारगेट जस्ट फिक्स योर आइज टू द थिंग्स अबव। आपका टारगेट यीशु मसीह है और हमेशा प्रयास करते रहो कि उसकी आज्ञाएं हाउ द फेथ कम्स। यू कैन यूज टू से फेथ कम्स बाय द हियरिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये बड़ा जब खुदा का वचन सुन रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं आता, उसका कारण क्या है छोटे समय बताऊंगा। कि हमें बाइबल को सुना तो बहुत है, वी नेवर अप्लाई इन आवर लाइफ। हम वचन को सुनते जरूर है कि उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। एप्लीकेशन ऑफ बाइबल इज अ चेंज है, बेसिक फंडामेंटल स्टेटिंग है कि जो हमें आदेश किया गया है हमें उसको पूरा करना है। पेमेंट्स तो बहुत बाइबल में लिखे हुए हैं लेकिन क्या हम उसको एप्लीकेशन में लाते हैं? We do it practically in our life. How can he receive the blessings of God? How can he inherit the blessings of Abraham? We are the grafted. हम लोग grafted लोग हैं, हम लोग घर कलम है जो बोई गई है, एक natural डाली है। Praise the Lord. Praise the Lord. By the grace and by the blood of Jesus. अनुग्रह और मसीह यीशु प्रभु के द्वारा, the combination of two. हम उस नेचुरल टाइम में बोल रहे हैं, हम पे अनुग्रह किया गया। जैसे हमारे अपोस्टल बोल रहे थे कि अंधेरे देशों पे रोशनी चमक गई है, रोशनी चमक रही है लेकिन अनंत जीवन की याद और क्यों है? इनविजिबल जो जर्नी आपकी चल रही है, द डिवाइन जर्नी टू द हेवनली जेरुसलेम, एक डिवाइन जर्नी चल रही है। अब आप शरीर से नहीं चल रहे, विश्व की गुलामी से कनान देश की यात्रा एक शारीरिक श्रम, एक फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ द विल्डरनेस, विल्डरनेस जर्नी ऑफ विल्डरनेस। बहुत सी विपत्तियां उस पर आई, बहुत से लोगों के ईमान बदल गए और बहुत से लोग मदाते मौत के घाट उतर गए। कोई नक्शा नहीं था। दिस इज द जर्नी ऑफ विल्डरनेस। आज हम आत्मिक रूप से एक यात्रा कर रहे हैं, एक डिवाइन जर्नी कर रहे हैं और इस डिवाइन जर्नी में यीशु मसीह आपका चरवाहा है। और लिखा हुआ यीशु मसीह ने यहां पे भेड़ छोड़कर उस भेड़ को उठा लिया। नो वन लेफ्ट। आपके पास 100 रुपए है तो 10 रुपए गिर जाते, तो जैसे भी लोग हैं वो 10 रुपए के लिए 90 तो बचे हैं। एक फीमेल साइकोलॉजी 90 रखो यार, ज्यादा देर थोड़ा बहुत उठा गेम मिला थोड़ा छोड़ो, ये भी 10 रुपए तो गिरे 90 गेम में,
लेकिन यीशु मसीह 3 रुपया भी गिरने नहीं देना चाहते हैं। एवरी सोल इज वर्थ हिज सोल फॉर क्राइस्ट बिकॉज जीसस सेड हिज ब्लड ऑन द क्रॉस फॉर द होल ह्यूमैनिटी। पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह का लहू आया और हम सब जो नए प्रचारक हैं उनको चाहिए जो बाइबल कहती है वो ही प्रचार करो बेटा, तब तो तुम्हारा स्पिरिचुअल एडिफिकेशन होगा। ये तो दौड़ तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन बहुत नैरो जर्नी है, बहुत नैरो गेट है। हजारों लोग आज इस समय यीशु मसीह के नाम को महिमा और जलाल दे रहे हैं। मैनी मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्शिपिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एट द सेम टाइम। इस समय हजारों लाखों लोग खुदा के वचन को बांट रहे हैं। दे आर शेयरिंग द गॉस्पेल विद द वर्ल्ड ऑफ गॉड। ये कौन सा वचन आप मानो आप वाली मन्ना उतर रहा है, ये इंपॉर्टेंट। आप बिल्डिंगें मत देखिए, डू नॉट सी द बिल्डिंग्स, डू नॉट काउंट द नंबर्स। 5 लाख इतना कर लीजिए और उसमें 5 भी खुदा की बादशाह को शामिल ना होंगे व्यर्थ है। अब ये देखिए कि इसमें से कितने लोग स्वर्ग स्थानों में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। प्रे द लॉर्ड। हम इंसान लोग हैं, भीड़ देखना पसंद करते हैं। थोड़ी भीड़ थी, कितने लोगों ने मन फिराया इस पर कोई एनालिसिस नहीं है। कितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करा कोई नहीं जानता। कितने लोगों ने स्पिरिचुअल हीलिंग प्राप्त करिए नोबडी नोज। हमारे बीज कहां गिरे हैं कोई नहीं जानता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 4 लोग हो चाहे 5 लोग जाएंगे बिजनेस को, 2 या 3 भी लोग होंगे अभी बीते हैं। ये छोटे पैसे हैं पर कभी कभी उसे छोटा तो नहीं है। इट इज अ प्लेजर ऑफ गॉड। खुदा को पाया कि वो आपके साथ बात करे। हम लोग को अपनी इंसानी सोच बदलकर आसमानी सोच में शामिल होना। यीशु मसीह चाहते तो 12 से 120 या 2 लाख तक कर सकते थे क्योंकि सारी कैपेसिटी थी। बट ही नेवर एक्सरसाइज हिज ओन कैपेसिटी बिकॉज ही वांटेड टू शो द ह्यूमन बीइंग हाउ टू अप्रोच द हेवनली रियल्म एज अ नॉर्मल मैन कैन अप्रोच टू द हेवनली रियल्म हेवनली किंगडम। लेकिन आम आदमी भी खुदा की